दोस्तों वोडाफोन के नए ऑफर में आपको मिल जाएगा रिचार्ज प्लान इंस्टॉलमेंट में। हाँ, वोडाफोन ने ऐसा ही, वोडाफोन आइडिया या फिर वी ने ऐसा ही कुछ नया प्लान लॉन्च किया है, जहां पे आपको रिचार्ज प्लान मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट में। यानी आप एक बार रिचार्ज करवाओगे और उसका धीरे धीरे रिचार्ज का इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो अगर आपको ये जानना है, इसके साथ काफ़ी सारे और भी इंटरेस्टिंग ऑफर्स है वोडाफोन आइडिया की तरफ से या फिर वी की तरफ से, वो जानना है तो जरूर से वीडियो को देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हैं उत्सव ब्लॉग्स टेक। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। दोस्तों वोडाफोन आइडिया अभी काफ़ी डिफिकल्ट टाइम से जा रहा है और उसी के बीच में वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रहा है जितना बेहतर प्लान्स लोगों को दिया जा सके, जिससे उसके साथ जो कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो वोडाफोन को छोड़ के ना जाए। और दोस्तों ये जो नया प्लान है, ये प्लान वोडाफोन आइडिया या फिर वी ने लाया है बजाज फाइनेंस के साथ हाथ मिला के। यानी वोडाफोन चाह रहा है, जैसे रिलायंस जो कोशिश कर रहा है कि वोडाफोन आइडिया या फिर वी और एयरटेल के जितने भी 2G कस्टमर्स हैं उनको अपने पास लाने के लिए, जिसके लिए रिलायंस जो बहुत ही जल्द कुछ ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो काफ़ी सस्ते प्राइसेस में आपको मिल जाएगा और उसके साथ आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा। और वो होने से पहले अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बचाने के लिए वोडाफोन ने ये प्लान दिया है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सस्ते प्राइसेस में मिल जाएगा स्मार्टफोन्स। कैसे, इसके लिए बजाज फाइनेंस आपका जो स्मार्टफोन है उसको फाइनेंस करेगा। यानी आपको एक साथ ज्यादा पैसा नहीं पे करना होगा, महीने में थोड़ा थोड़ा करके आपको ये पैसा देना होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ बजाज फाइनेंस वोडाफोन आइडिया का जो रिचार्ज प्लान आप कराओगे उसको भी फाइनेंस करेगा। यानी आपने नया स्मार्टफोन लिया, उसके साथ आपने वोडाफोन आइडिया का एक सिम कार्ड लेके वहां पे 6 महीना या फिर 1 साल का रिचार्ज करवाया और वहां पे वो जो प्राइस है वो आपका टोटल आपका जो स्मार्टफोन का प्राइस है उसके साथ ऐड हो जाएगा और 6 महीना आपको ड्यूरेशन के अंदर या फिर 1 साल ड्यूरेशन के अंदर आपको ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके पे करना है। दोस्तों सबसे पहले जो रिचार्ज प्लान है, जो वोडाफोन का 6 महीना यानी 180 डेज वाला जो प्लान है जिसका कॉस्ट है 1197 रुपीज, ये अगर आप रिचार्ज करवाओगे तो यहां पे आपको 6 महीने का वैलिडिटी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये महीने में जस्ट 200 रुपया करके आपको इसके लिए पे करना होगा 6 महीना तक। अब अगर आप इसको अलग से हर महीने रिचार्ज करवाने जाओगे तो आपको सेम बेनिफिट्स यानी डेली 1.5 GB करके डेटा विद अनलिमिटेड कॉल्स इसके लिए, लेकिन आपको वोडाफोन आइडिया का 249 रुपीज आपको रिचार्ज करवाना होता, तो हर महीने आपका यहां पे 49 रुपीज करके बचेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आप 1 साल वाला जो वोडाफोन का प्लान है जिसका कॉस्ट है 2399, जहां पे आपको 1 साल का वैलिडिटी मिलता है विद डेली 1.5 GB करके डेटा विद अनलिमिटेड कॉल्स इसके लिए, लेकिन आपको वोडाफोन आइडिया का 249 रुपीज आपको रिचार्ज करवाना होता, तो हर महीने आपका यहाँ पे 49 रुपीज करके बचेगा। यहाँ पे सिर्फ महीने का 200 रुपया देने से ही आपको ये मिल जाएगा। अब ये ऑफर आप या तो 4G अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास है, लेकिन अगर बाई चांस किसी के पास नहीं है तो वो अपना फर्स्ट 4G स्मार्टफोन खरीदने के लिए ये आपका स्कीम का यूज कर सकता है, या फिर आपके पास एक 4G स्मार्टफोन है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो वहां पर भी आप इस ऑफर को यूज कर सकते हो, जो करने से आपको काफी सारा बेनिफिट्स मिलेगा। यानी आपको एक बार में पैसा नहीं देना हुआ और रिचार्ज का मतलब फाइनेंस, ये तो एकदम ही अलग काइंड ऑफ एक फीचर या फिर प्लान वोडाफोन आइडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। आई एम श्योर इन फ्यूचर आपको इस तरह का ऑफर यानी आपके स्मार्टफोन के प्राइस के साथ रिचार्ज का फाइनेंस ये वोडाफोन आइडिया सिर्फ अकेले नहीं करेगा, इसके साथ आई एम श्योर भारतीय एयरटेल, रिलायंस जो, ये भी ऐसे ऑफर्स बहुत ही जल्द लाने वाला है। ये एकदम गर्मा गर्म ऑफर है और आपको ये ऑफर कैसा लगा जरूर से आप वीडियो के नीचे लिखिएगा। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।